नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। नए चुनाव कराने की अपनी मांग पर जोर डालने के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो नई रणनीति अपनाई है उसके सफल होने की संभावना पर लगातार शक जताए जा रहे हैं। खान ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का तरीका छोड़ते हुए अब प्रांतीय असेंबलियों से अपने पार्टी के सभी सदस्यों को इस्तीफा दिलवाने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वह उन दो प्रांतों की असेंबलियों को भंग कर देगी जहां पर उसकी सरकारें हैं। ये प्रांत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है। लेकिन इमरान खान के नई रणनीति का ऐलान करने के हफ्ते भर बाद तक पीटीआई के सदस्यों ने असेंबली से इस्तीफा नहीं दिया है। शुक्रवार तक उसने यह घोषणा भी नहीं की थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को कब भंग कराया जाएगा। इसी बीच खबर है कि शहबाज शरीफ सरकार पीटीआई की इस चाल को नाकाम करने के लिए सभी संवैधानिक और राजनीतिक उपाय पर विचार विमर्श कर रही है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री प्रांतीय असेंबली को भंग करने की सिफारिश गवर्नर से कर सकते हैं। गवर्नर यह सलाह मानने को बाध्य है। असेंबली भंग होने के बाद 90 दिन के अंदर उसके लिए चुनाव कराना अनिवार्य है। जहां सदस्य किसी सदन से इस्तीफा देते हैं वहां उनकी सीटों पर 60 दिन के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। गुजरे महीनों में इसी रणनीति के तहत पीटीआई ने नेशनल असेंबली और पंजाब की प्रांतीय असेंबली के लिए अनेक सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को मजबूर किया था। उन उपचुनाव में पीटीआई को भारी जीत मिली थी। ऐसा लगता है कि इमरान खान ने एक सोच समझकर यह दांव चला है। पीटीआई के पास फिलहाल यही एक पत्ता है जिसे वह बड़ी आसानी से चल सकती है। असेंबलियों को भंग होने से रोकने के लिए सत्ताधारी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके तहत पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज इलाही से पाला बदल करवाने से लेकर उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की चर्चा है। इलाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता है। इस पार्टी का पीटीआई से गठबंधन है। अगर दो प्रांतीय असेंबलियां भंग हो जाती है तब भी ऐसा कोई दबाव नहीं बनेगा जिससे पीडीएम के लिए नेशनल असेंबली का तुरंत चुनाव कराना अनिवार्य हो जाए। पीडीएम में शामिल पार्टियां समय से पहले चुनाव कराने के सख्त खिलाफ है। नेशनल असेंबली का कार्यकाल अगले साल अक्टूबर तक है। इस बीच इमरान खान की नई रणनीति बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में महंगी पड़ रही है। वहां पार्टी के विधायक सदन से इस्तीफा देने की बजाय अब पार्टी से इस्तीफा देना ही पसंद कर रहे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद ये विधायक इमरान खान का निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। दरअसल इमरान खान ने ये एक जुआ खेला है। इस रणनीति में जोखिम यह है कि असेंबलियां भंग होने के बाद उन राज्यों में गवर्नर प्रधानमंत्री की सहमति से कार्यवाहक सरकार बना देंगे। पीटीआई को तब उन सरकारों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।